Hello, welcome to my YouTube channel, guys. So hello everybody and welcome back to a new video. तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो कि खेलना चाहते हैं GTA Vice City को HD वर्जन में, बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था GTA Vice City का डेफिनेटिव एडिशन, जिसके यार ग्राफिक्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बट जो उसकी फिजिक्स थी वो एज यूजुअल थी पुरानी गेम जैसी ही, और कुछ ज़्यादा चेंज भी वहाँ पर नहीं किए थे, और गेम के अंदर कुछ ज़्यादा बग्स भी थे, और उसकी अगर आप लोग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देखोगे तो यार वो तो कुछ ज़्यादा ही हाई थी, जो हम लोग हैं वो तो यार उसे बिल्कुल भी अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप लोग खेलना चाहते हो कोई गेम जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर हो GTA Vice City के डेफिनेटिव एडिशन से भी, तो यार एकदम सही वीडियो पर आए हो, बिकॉज आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं एक ऐसा ही मोड जिसका कि नाम है GTA Vice City 2। इसे आज हम लोग इंस्टॉल करेंगे और प्ले भी करेंगे। इवन इसके जो ग्राफिक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और जो फिजिक्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी वो मॉडर्न GTA गेम्स जैसी है, मतलब आप लोगों को जो फिजिक्स मिलेगी वो GTA 5 जैसी है। और इवन यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर अपनी कार्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि आप लोग GTA 5 में भी अपनी कार्स को कस्टमाइज़ करते हो, उसी टाइप का फीचर आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाता है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है मेरे भाई कि यहाँ पर आप लोग मिशंस को भी कर सकते हो, मतलब आप लोगों को यहाँ पर मिशंस भी मिलेंगे वो भी नए कट सीन्स के साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा एकदम कह सकते हो कंप्लीट एक पैकेज है GTA Vice City का HD वर्जन, इसे आप लोग कह सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मोड है, मैंने भी बहुत टाइम से इसे प्ले किया है, वन ऑफ़ द बेस्ट मोड एवर है GTA कम्युनिटी के लिए। तो आज हम लोग इसी को इंस्टॉल करेंगे, और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो मेरे भाई, बिकॉज इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन में बूस्ट मिलता है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस तो वॉच करते हो बट आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की आप लोगों को अपडेट्स मिल जाएं। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की, कि जो इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों को PC नीडेड होगा उसके अंदर एटलीस्ट 4GB रैम होना चाहिए, 2 से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। 2GB रैम के अंदर आप लोग खेल तो सकते हो बट आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। अगर आप लोग इसे लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग पर चलाओगे तो आप लोग इसे 2GB रैम में भी इजीली प्ले कर पाओगे, बट अगर आप लोगों को इसे अच्छे से प्ले करना है 720p पर, तो आप लोग मेरे ख्याल में तो यार 4GB रैम वाला PC रखना है यहाँ पर। और अगर आप लोगों के पास कोई भी डुअल कोर या पेंटियम का प्रोसेसर है वहाँ पर भी काफ़ी सही तरीके से वर्क कर जाएगा, बिकॉज इसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा हाई नहीं है, तो आप लोगों के यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड की भी कोई ज़्यादा नीड नहीं होने वाली है। आपके PC में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं वहाँ पर भी आप लोग इसे इजीली प्ले कर पाओगे। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ की, और वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को एक गेम भी नीडेड होगा GTA का, जो कि GTA Vice City नहीं है। आप लोगों के यहाँ पर नीड होगी GTA 4 EFLC की एपिसोड्स फ्रॉम लिबर्टी सिटी, वो आपके PC में होना चाहिए और वर्क भी करना चाहिए, उसी कंडीशन में आप लोग इसे प्ले कर पाओगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों को पहले यार उसे डाउनलोड करना होगा, बाद में आप लोग मोड को डाउनलोड करना, बिकॉज उसके बिना ये वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि ये जो मोड है ये वर्क करता है EFLC के गेम इंजन पर, इसीलिए इसके अंदर आप लोगों को GTA 4 की जो EFLC है वो आप लोगों को यहाँ पर नीडेड होगी। तो अगर आप लोगों की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैच कर जाती हैं तो वीडियो को हम लोग अभी कर लेते हैं स्टार्ट, और इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट से इस मोड को। तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों फोल्डर्स को साइड बाय साइड लगा देना, GTA 4 EFLC और अपने मोड के फोल्डर को। तो यहाँ पर मैंने मोड को पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और यहाँ पर आप लोगों को ये सारी की सारी फाइल्स मिल जाएंगी। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको ये सारी की सारी फाइल्स जितनी भी मिलती हैं बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपने GTA 4 EFLC के अंदर, और उसके बाद आप लोग एकदम रेडी हो अपनी गेम को प्ले करने के लिए। और आप लोगों को जो गेम प्ले करनी है वो VC2 लॉन्चर से प्ले करनी है, GTA 4 के लॉन्चर से प्ले मत करना, आप लोगों को VC2 के लॉन्चर पर करना है डबल क्लिक। उसके बाद आप लोगों को इस टाइप की एक स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, यहाँ से आप लोग अपडेट्स चेक कर सकते हो। अगर आपके मोड के अंदर कोई अपडेट आया हुआ है तो यहाँ से आप लोग उसे डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो, और प्ले भी यहाँ से आप लोग कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने इसे प्ले कर लिया है, जो हमारी गेम है वो स्टार्ट हो जाएगी, और आप लोग देख सकते हो जो स्क्रीन्स वगैरह हैं वो यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं। और अगर आप लोगों की गेम थोड़ी सी लैग होती है तो यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग में जाकर ग्राफिक्स को लो डाउन कर लेना, जिससे कि आप लोगों के जो FPS हैं वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगे।
और आप लोगों की जो गेम है वो ज़्यादा लैग भी नहीं होगी। अगर ज़्यादा लो एंड पीसी यूज़ कर रहे हो तो रेजोल्यूशन को भी बिल्कुल डाउन कर देना, उससे भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा FPS के अंदर। और मैं भी यहाँ पर जो PC यूज़ कर रहा हूँ कोई ज़्यादा हाई एंड PC यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इवन यहाँ पर एक लो एंड PC के अंदर ही इस मोड को प्ले कर रहा हूँ। और गेम प्ले आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे FPS यहाँ पर मिल रहे हैं, तो हमारी जो गेम है यहाँ पर काफ़ी स्मूथली वर्क कर रही है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना यार, बिकॉज बिना लाइक करे जाते हो तो यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर आप लोगों को गेम के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर कर लो फॉलो, और वहाँ पर आप लोग मुझे DM कर देना, वहाँ पर मैं आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा आपके क्वेश्चंस का। तब तक आप लोग चैनल को विजिट करो और वहाँ पर आप लोगों को जो भी वीडियोस पसंद आती हैं उन्हें 1x1 वॉच करते जाओ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।